और उसके बाद विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी माननीय श्री राहुल गांधी जी करेंगे। एक अगस्त 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी समग्र ग्रामीण विकास योजना अंतर्गत निर्मित मल्टी एक्टिविटी सेंटर आजीविका अंगना ग्राम गनियारी विकासखंड तखतपुर का लोकार्पण किया गया। मल्टी एक्टिविटी सेंटर गनियारी और नगोई में गारमेंट निर्माण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए 600 हितग्राहियों को प्रशिक्षण के साथ साथ इंडस्ट्रियल मशीनरी की स्थापना की गई है। गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना में कुल 600 हितग्राहियों के साथ बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। गारमेंट फैक्ट्री में कुल 1445 मशीनें हैं, जिसमें एक मशीन में एक हितग्राहियों द्वारा 10 से 12 शर्ट पैंट का निर्माण प्रतिदिन के अनुसार एक माह में 360 शर्ट और पैंट तैयार किया जाएगा। प्रति प्रोडक्शन के अनुसार प्रति हितग्राही ₹25 देय होगा और प्रतिदिन 250 से ₹300 का रोजगार प्रति हितग्राही को प्राप्त होगा। बिल्कुल, और जानकारी साझा की जा रही है। निश्चित तौर पे विविध योजनाओं के माध्यम से जो एक जन कल्याणकारी राज्य की हम परिकल्पना करते हैं वो साकार हो रहा है। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2022 को किया गया और इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में राज्य में कुल 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए गए, जिसके अंतर्गत जिला बिलासपुर में प्रति जनपद पंचायत 2 गौठान ग्राम का चयन कर रीपा स्थापित किया गया है। जिले में कुल 8 रीपा केंद्र की स्थापना की गई है। जनपद पंचायत बिल्हा में अकलतरी और घोरामुड़ा मस्तूरी में परस्तावेद और बेलटुकरी, तखतपुर में गनियारी और बेलपान तथा कोटा में रानी गांव और करगी कला का चयन किया गया है। साथ ही साथ महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के उद्देश्य, जैसे कि हम सभी जान रहे हैं, ग्रामीण गरीब परिवारों को आजीविका का माध्यम बनाना, उसके साथ साथ अतिरिक्त आय का साधन बनाने एवं स्थानीय परिदृश्य के अनुरूप कच्चे माल के स्रोत, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग हेतु पंचायत एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा एमओयू कर स्थानीय बाजार एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बेहद प्यारी उपस्थिति की गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।